Hello everybody, good morning, how are you? आज हम स्टार्ट करते हैं वी शैल ओवरकम के आगे का लेसन। सबसे पहले इसकी बची हुई मीनिंग्स ए एफ आर ए आई डी अ फ्रेंड मिस डरना टी ओ बी ए वाई टूडे मिस आज टी आर यू टी एच ट्रुथ मिस सत्य एफ आर डब्ल्यू फ्री मिस स्वतंत्र आई डबल एल यू एस आई ओ एल एस इल्यूजन्स मिस ब्रह्म पी ई ए सी ई पीस मिस शांति एस एच ए डबल एल एल आई वी ई शेल लायो मिस रहेंगे सी ओ एन एफ एल आई सी टी एस कॉन्फ्लिक्ट्स मिस विवाद या झगड़ा। इस पोइम की बचे हुए स्टेंजास कल हमने दो स्टेंजा देखे थे, आज हम आगे के स्टेंजास पढ़ते हैं। थर्ड वाला स्टेंजा है वी आर नॉट अफ्रेड वी आर नॉट अफ्रेड वी आर नॉट अफ्रेड टूडे ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। इन लाइन्स में पोइट कह रहे हैं कि वो समय आ चुका है जब हम किसी प्रकार से किसी वस्तु से नहीं डरेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। वो दिन आ चुका है, आज हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, हमने निडरता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। फोर वाला स्टेंजा है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। इन लाइन्स में पोइट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी लोग सत्य को पहचानेंगे और सत्य ही हमें सभी प्रकार के भ्रम और कुरूतियों से स्वतंत्र बनाएगा। फाइव वाला स्टेंजा है वी शैल लिव इन पीस वी शैल लिव इन पीस वी शैल लिव इन पीस समडे ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। इन लाइन्स में पोइट कर रहे हैं कि उन्हें ये पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार के सभी लोगों का जो विवाद है झगड़ा है उसका अंत होगा और संसार के सभी लोग शांतिपूर्ण स्थिति का आनंद लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन। आप इसे अच्छी तरह से लर्न करोगे और एस डब्ल्यू के रूप में नोटबुक में राइट डाउन करोगे।